नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिवनी की बड़ी खबर से। सिवनी से आपको बता रहे खबर, जहाँ लखनादौन सीट पर गहमा गहमी देखने को मिली, भाजपा प्रत्याशी को लेकर सियासत देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह पहुंचे लखनादौन, बंद कमरे में दावेदारों से चर्चा की। टिकट को लेकर देर रात यहाँ पर मंथन चला। केंद्रीय मंत्री देर रात मंडला के लिए भी रवाना हुए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिवनी से, जहां लखनादौन विधानसभा सीट को लेकर गहमा गहमी देखी गई। भाजपा प्रत्याशी को लेकर बताया जा रहा है कि यहां पर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री को खुद यहां पर आना पड़ा। चलिए इस खबर की ज्यादा जानकारी लेंगे सिवनी से हमारे सहयोगी विशाल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बताया जा रहा है कि लखनादौन सीट को लेकर यहां पर गहमा गहमी देखी गई, भाजपा के प्रत्याशियों में ही यहां पर सियासत गर्मा गई, खुद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को यहां आना पड़ा। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही पहली सूची जारी करी, उसके बाद लखनादौन विधानसभा में भाजपा कि जो प्रत्याशी उनमें गहमा गहमी देखी जा रही। लगभग जो है 10 दावेदार जो है लखनादौन विधानसभा में टिकट के लिए सामने नजर आ रहे, जिनमें काफी वार्तालाप और राजनीति गरमाई हुई थी। उस पूरे मुद्दे पर जो है देर रात केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे। एक कमरे में मंथन जारी रहा, 10 प्रत्याशियों को लेकर काफी चर्चा की गई है। हालांकि इस पूरे मंथन का अभी कुछ ये नहीं कहा जा सकता राजनीति में क्या असर निकला है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो देर रात तक चली इस मंथन और बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते लखनादौन के लिए रवाना हो गए। फिलहाल लखनादौन विधानसभा में जिस तरह अगर बताया जाए तो पिछले 10 सालों से कांग्रेस का कब्जा है, और अब भारतीय जनता पार्टी जो है दावेदार की तलाश में, मजबूत दावेदार की तलाश में, तो उसी को लेकर जो है लगातार यहाँ मंथन जारी है। जी जी विशाल, ऐसा कुछ पता चल पाया कि क्या कुछ बातें हुई या क्या कुछ जो है संदेश, या हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा बाहर अगर कोई मैसेज आया हो कि इस बैठक में, या फिर किसी के नाम तय होने को लेकर ऐसी कोई खबर सामने आई कि ये प्रत्याशी हो सकता है? देखिए, इस पूरे मुद्दे पर अगर देखा जाए तो सूत्रों की माने तो सूत्र का ये बताने की 10 दावेदारों में से अभी ये तो स्थिति कंप्लेन नहीं हो पाई कि दावेदार कौन होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन एक चीज क्लियर सामने निकल के आई है कि इन दावेदारों को जो है हनुमान जी के समक्ष कसम जरूर खिलाई गई है कि 10 दावेदारों में जैसे भी टिकट मिलती है वो चुनाव लड़ता है, तो ये 10 की 10 जो एक साथ होंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की लखनादौन विधानसभा में गुटबाजी जरूर इसे देखा जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी टिकट जब मिलती है या जब टिकट की घोषणा होती है उसके बाद किस तरीके से परिणाम सामने निकल के आते हैं। बिल्कुल विशाल, अब ये तो देखना दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि आपने भी जिस प्रकार की खबर बताई, आपने भी जानकारी दी, गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और देर रात खुद केंद्रीय मंत्री का आना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि ये अंदाजा है कि किस प्रकार की गुटबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि कसम यहाँ पर खिलवाई गई, तो अब देखना ये दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर किसे जो है टिकट मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई सिवनी से, जहां लखनादौन विधानसभा सीट को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है।